हेलो दोस्तों, रेखा स्पेशल किचन में आप लोग का स्वागत करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दोस्तों मशरूम की सब्जी। ये मेरा मशरूम है, इसको मैं लाई धो के कट की, कट करने के बाद इसे मैं तेल में फ्राई कर चुकी हूँ दोस्तों। तो बहुत बढ़िया से फ्राई कर चुकी हूँ। तो इसे मैं अभी ऐसे निकाल के रखूँगी, ये ठंडा होएगा तब तक मैं मसाला रेडी करूँगी दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मसाला इसमें पड़ेगा। देखो दोस्तों, अभी मैं मशरूम का मसाला रेडी करने चल रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि मसाले में क्या क्या रहेगा दोस्तों। तो मसाले में रहेगा 1 चम्मच मिर्च, काली मिर्च 2 चम्मच लूँगी दोस्तों, 2 चम्मच। और ये अपना है ये दालचीनी, ये भी तोड़ के ले लेती हूँ। ये जायफल है, थोड़ा से तोड़ के ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी। फिर उसके बाद 2 चम्मच के अनुसार ये सूखी धनिया है, ये ले रही हूँ दोस्तों। ये तेज पत्ता डाल रही हूँ, ये पीसूंगी। और फिर अभी मैं इसमें कुछ नहीं पीसूंगी दोस्तों, लहसुन प्याज मैं खलबट्टे में खून के डालूंगी दोस्तों, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यही मैं चल रही हूँ अभी पीसने। पीसने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, मशरूम का मसाला ये मेरा पिसा के रेडी हो चुका है। मशरूम का मसाला पिसा गया है दोस्तों। तो अभी मैं चल रही हूँ गैस के पास में। ये तो मैं मसाला पीसी थी, आपको दिखाई थी दोस्तों। और ये मेरा है लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट है, एक खलबट्टे में खूनी हूँ दोस्तों। इससे बहुत अच्छा लगता है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों, खून के अगर मतलब डालो तो मसाले में। अभी मैं चल रही हूँ गैस के पास में दोस्तों फ्राई करने इसके मसाला को। देखो दोस्तों, गैस मेरा ऑन है, कढ़ाई में रख चुकी हूँ, तेल मैं डाल चुकी हूँ दोस्तों। तेल अपने आप मतलब अपने हिसाब से लेना, कम ज़्यादा, ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा लेना। तेज पत्ता मैं डाल चुकी हूँ, तेज पत्ता थोड़ा लाल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, तेज पत्ता मेरा लाल हो गया है। अभी मैं डाल रही हूँ ये लहसुन और प्याज का कूटा हुआ पेस्ट। मैं डाल दी दोस्तों, इसको डालने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, 2 मिनट मैं भूनी इसको, 2 मिनट मेरा हो गया भून के। अभी मैं इसमें ये जो टमाटर है अपना, ये टमाटर डाल रही हूँ। वो टमाटर भी थोड़ा इसका, टमाटर का पानी जल जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाला कब पड़ेगा दोस्तों। देखो दोस्तों, टमाटर का पानी जल गया है, ये इसमें टमाटर का पानी जल गया है। अभी मैं इसमें मसाला डालने जा रही हूँ दोस्तों। तो अभी ये मेरा मसाला जो पीसा हुआ था ये डाल रही हूँ। फिर उसके बाद 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, 1 चम्मच गरम मसाला दोस्तों। हल्दी पाउडर अपने मतलब स्वाद अनुसार हल्दी लेने का, ज़्यादा नहीं। 1 चम्मच जीरा पाउडर। यही सब मसाला दोस्तों मैं भूनूंगी, भूनने के बाद में मसाला भूनने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, अभी मैं मसाला मतलब ऐसे खोल के भून रही थी, तो मसाला मेरा भुना गया है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब तेल छोड़ दिया है, तेल छोड़ दिया दोस्तों। अब मेरा बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अभी मैं इसमें ये अपना जो ये मशरूम है यही डालने जा रहे हैं। ये मैं मशरूम फ्राई करके रखी थी दोस्तों, पहले से तेल में फ्राई करके रखी थी। तो ये मशरूम मैं डाल चुकी हूँ। मशरूम डालने के बाद में इसे मिलाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी कब पड़ेगा। देखो दोस्तों, अभी मैं पानी डालने जा रही हूँ, मेरे पानी डालने लायक हो गया है। तो अभी 1 बाटी पानी डालूंगी मैं, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी दोस्तों। तो पानी आप अपने हिसाब से लेने का। ये सब मतलब पानी उन्हें डाल के हो गया है दोस्तों। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक डालने जा रही हूँ। देखो दोस्तों, स्वाद अनुसार नमक, ये मेरा नमक स्वाद अनुसार हो गया है। अभी इसको मैं पकाऊंगी, 5-7 मिनट पकाऊंगी। 5-7 मिनट के पकाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, अभी मेरा ये मशरूम मेरा पक के रेडी हो चुका है। तो तेल देखो मतलब ऐसा पक गया कि तेल ऊपर आ गया है दोस्तों। अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ, बहुत बढ़िया से पक गया है, गैस बंद कर रही हूँ। अभी मैं इसको नीचे उतार रही दोस्तों, नीचे उतारने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, मशरूम मेरा बन के रेडी हो चुका है, बहुत बढ़िया से बनाई हूँ। तो आपको दिखाई थी दोस्तों कैसा बना हुआ था, कैसा बनाया जाएगा, तो मैं बहुत इजी तरीके से बताई हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं बताई दोस्तों। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कि मशरूम मेरा ये रेसिपी कैसा बना हुआ है दोस्तों। थैंक यू।